दोस्तों, अगर आप लोग भी ड्रीम इलेवन में रैंक वन ला के करोड़ों रुपए का प्राइस विन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप लोग भाई इस वीडियो को देखने के बाद खुद ब खुद बोलोगे कि भाई अब तक कहाँ थे, क्या कर रहे थे जो ऐसी वीडियो आप बना के नहीं डाले जिसकी वजह से रैंक वन आते आते मेरी रह गई। क्योंकि जो स्ट्रेटजी मैं आज लेके आया हूँ, जो विनर्स की ट्रिक मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, अगर आप लोग इसको फॉलो अप करके भाई इस स्ट्रेटजी को पकड़ के चलते हो तो फिर ड्रीम इलेवन में रैंक वन आप अपने लिए सिलेक्ट करके रख लो, पहले से ही बुक करके रख लो। क्योंकि ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसी जानकारी आप लोगों को कहीं देखने से नहीं मिलेगी, कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगी। क्योंकि जो बेसिक स्टेप, जो बेसिक स्ट्रेटजीज मैं आपके लिए बनाने बनाने वाला हूँ या आपको बताने वाला हूँ, वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लो ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो। साथ ही साथ अगर आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप से हमारे नहीं जुड़े हो तो भाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाएं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं, जिसके माध्यम से हम आपको यहाँ पे फ्री में प्रेडिक्शन टीम वगैरह प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से आप लोग बेहतरीन तरीके से विनिंग कर पाएंगे। आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्रीम इलेवन में रैंक वन आखिर कैसे आती है, वो कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं, वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से ड्रीम इलेवन में रैंक वन आती है। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे निकल के क्या आती है दोस्तों, हम जब टीम बनाने का प्रयास करते हैं या जब भी हम टीम बनाने का ट्राई करते हैं, तीन चीजें हमारे सामने निकल के आती हैं, प्लेयर्स, उनकी परफॉर्मेंस और उनका सिलेक्शन परसेंटेज या उनके पॉइंट्स। हम लोग यही देख के टीम बनाते हैं। लेकिन जो विनर लेवल की स्ट्रेटजी है, जो भी मैंने विनर्स के इंटरव्यू लिए, जब मैंने उनसे ऑफ कैमरा उनसे स्ट्रेटजी पूछी तो भाई उन्होंने जो जवाब दिया भाई वो काफी शॉकिंग था। दोस्तों, कभी भी वो लोग कभी भी हाई परफॉर्मिंग प्लेयर के पीछे नहीं भागते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि भाई ऐसे प्लेयर के पीछे हम भागें कि उसी दिन आप भी उस प्लेयर को लो। वो हमेशा से डिफरेंट प्लेयर के ऊपर अपना दांव लगाते हैं, अपना दांव खेलते हैं, क्योंकि उनको पता है जिस दिन वो प्लेयर चल गया उस दिन उस प्लेयर को कोई नहीं लिया होगा और वही तरीके से ड्रीम इलेवन में रैंक वन आ जाएगी। तो ये अपने आप में काफी यूनिक स्ट्रेटजी, काफी बिगेस्ट स्ट्रेटजी मानी जाती है। क्योंकि इन तरीकों के माध्यम से, इन स्ट्रेटजीज, इन बेसिक्स के माध्यम से ड्रीम इलेवन में विनिंग होती है और अच्छा खासा प्रॉफिट ड्रीम इलेवन से कमाया जा सकता है। कई कई लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि भैया पिच कंडीशन का कितना अहम रोल होता है। तो भाई मैं आपको बता दूं, पिच कंडीशन का बहुत ही अहम रोल होता है। अगर आप लोग पिच कंडीशन को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, आप लोग पिच कंडीशन को समझ नहीं पाएंगे, तो कितने ही दोस्तों आप लोग अच्छे लेवल की टीम बना लो, फिर आप लोग प्रॉफिट में नहीं जा पाओगे। इसीलिए आप लोगों को बार बार हम कहते हैं कि भाई अगर आपको पिच कंडीशन को एनालाइज करना है, पिच कंडीशन को सामने लेके चलना है, तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि मैं जिस प्लेयर को आज कैप्टन या वाइस कैप्टन बना रहा हूँ वो पिछले मैचेस में कैसा परफॉर्म कर चुका है। अगर उसने पिछले मैचेस में परफॉर्म अच्छा किया है तो जाहिर सी बात है इस मैच में भी उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छे लेवल की होगी, या उसने पिछले मैच में परफॉर्म अच्छा नहीं किया है तो इस मैच में भी उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। तो हमको पिच कंडीशन को एनालाइज करके, पिच कंडीशन को देख के ही ड्रीम इलेवन में इतने बड़े लेवल की टीम बनाना है, तभी दोस्तों वो हम विनिंग जोन में जा पाएंगे। क्योंकि भाई ड्रीम इलेवन में टीम हर कोई बना लेता है, हर बंदा ड्रीम इलेवन से टीम बना लेता है, लेकिन विनिंग टीम या जीएल टीम अलग होती है और सिर्फ टीम अलग होती है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है भाई। तो अगर आप लोग विनिंग करना चाहते हो, प्रॉफिट करना चाहते हो ना, तो इस स्ट्रेटजी को आप लोग पकड़ के चलो, ड्रीम इलेवन के नेक्स्ट विनर आप होगे, इसकी पूरी पूरी गारंटी है। और कई लोग क्या करते हैं, और कई लोग पकड़ते हैं सिलेक्शन परसेंटेज। जिस प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज काफी ज्यादा होता है, सोचते हैं बस भाई यही है, इसी को पकड़ लो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप लोग सिलेक्शन परसेंटेज देख के टीम बनाना शुरू कर दें। इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है हमारा प्लेयर का परफॉर्मेंस और लास्ट मैच का स्टैट्स। अगर हम इन दोनों चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इन दोनों चीजों को दोस्तों सामने नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर कितने भी दोस्तों हम लोग हाई लेवल की टीम बना ले, हम लोग विनिंग जोन में नहीं जा पाएंगे। तो इस स्ट्रेटजी को, इस जानकारी को अपने आप को समझ के चलना है, जिसके माध्यम से ड्रीम इलेवन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में हम लोग विनिंग कर पाएंगे और बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं जो जानकारी यहाँ पे मैंने आपको दी है समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, जिसके माध्यम से आप लोग ड्रीम इलेवन में एक हाई लेवल की विनिंग कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं।